ऐसी शख्सियत पर जिसने एक सामान्य परिवार से निकलकर भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर अपना पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की, जिन्होंने अपना करियर एक शिक्षक के रूप में शुरू करते हुए आज राष्ट्रपति पद पहुंचने की यात्रा करी है। दोस्तों हम उनके परिवार के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में और उनके संघर्ष की कठिनाई के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू आज भारत के किसी भी कोने के लिए, किसी भी बच्चे के लिए आज कोई नया नाम नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म ओडिशा में हुआ था और वह एक आदिवासी जनजाति से बिलोंग करती है और जब शिक्षक से उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया तो लगभग 1987 के आसपास उन्होंने एक पार्षद के रूप में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और वो पार्षद के चुनाव में जीती। और पार्षद के चुनाव के बाद, उनके कार्यकाल के बाद, उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने विधायक का टिकट लाया और उस विधायक के चुनाव में वो जीती। लेकिन बदकिस्मती से दूसरे चुनाव में वो हार गई। लेकिन उनकी किस्मत और संघर्ष इतना था कि वो जब पहली बार विधायक बनी तब वो उसी सरकार में मंत्री बनाई गई और उन्होंने उस मंत्री पद पर रहते बहुत सारे कार्य किए और करीब 2014 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और उनके कार्यकाल के बाद हाल ही में 2022 में उन्हें राष्ट्रपति पद का भी उम्मीदवार बनाया गया था और एनडी की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और उस यात्रा से उनको ये लाभ हुआ कि वह आज राष्ट्रपति चुनाव में जीत गई और उन्होंने कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। दोस्तों एक इस कहानी से एक सार निकलता है कि आप किसी भी परिवार से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्थान से हैं, आपका संघर्ष यदि सत्य की लड़ाई के साथ है, आप कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आप किसी भी स्थान पर किसी भी पद के लिए आप योग्य हो। आपका रंग कैसा भी हो, आपका कद कितना भी हो, आपकी बोली हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी हो, लेकिन वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट आपका संघर्ष है। दोस्तों हमेशा संघर्ष कीजिए और संघर्ष के बाद जो परिणाम निकलेंगे वो निश्चित रूप से बहुत ही सुखद होंगे। धन्यवाद।